जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरे नारायण में कांग्रेस की विशेष बैठक आयोजित हुई। इस दौरान में आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर केशरवानी धर्मशाला में नगर के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। बैठकों का दौर निरंतर जारी है। शिवरे नारायण नगर पंचायत क्षेत्र के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर्यवेक्षक राजेंद्र कंवर को बनाया गया। उन्होंने पहले दौर के बैठक में सभी संभावित प्रत्याशियों से आवेदन पत्र लिया। उसके पश्चात आवेदन की स्क्रूटनी कर जिला कार्यकारिणी के पास भेजा। वहां से शॉर्टलिस्ट होकर आवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचेगी। प्रत्याशियों ने यह मांग की है कि उनके वार्ड से स्थानीय निवासियों को ही प्रत्याशी बनाया जाए। यदि दूसरे वार्ड का प्रत्याशी पैराशूट से उनके वार्ड में उतरता है तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो संभावित प्रत्याशी अपनी आकाओं को लेकर टिकट के जोड़ तोड़ में लग गए हैं। उसके बावजूद पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। इस तारतम्य में आज केसरवानी धर्मशाला में सभी कांग्रेस जनों की बैठक आहूत की गई, जहां उन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की हिदायत दी गई और यह भी कहा गया कि टिकट किसी को भी मिले, हम सब मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू होने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को तय नहीं कर पा रहा है। इससे भी चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्षद में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे यह भी संभव व्यक्त की जा रही है कि जिन्हें राष्ट्रीय दल टिकट नहीं देते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने के लिए मैदान में नजर आएंगे। आम मतदाताओं ने भी मांग की है कि जो व्यक्ति निरंतर उनके लिए सेवा भाव से काम कर रहे हैं उन्हें ही पार्टी अधिकृत प्रत्याशी बनाए, तभी जीत संभव होगी। मतदाताओं ने यह भी कहा कि दूसरी वार्ड का प्रत्याशी उन पर थोपा जाएगा तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। ये नगरीय निकाय नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये मेरा श्रीनारायण में तीसरा बैठक है। यहाँ की जो कार्यकर्ता है पूर्ण रूप से अपने कमर कस चुके हैं और एकता की भावना से एक से लेकर 15 तक वार्ड में अपनी संगठन कार्यकर्ता के माध्यम से पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी के संबंध में आज जो चुनाव की तैयारी के संबंध में क्या क्या प्रपत्र अपने को तैयार करना है, इस संबंध में आज तीसरा बैठक है। इस बैठक में हम लोग अपनी तरफ से पूरे एकजुटता के साथ पूरे कांग्रेस परिवार यहाँ पर नगरीय निकाय नगर पंचायत चुनाव को पूर्ण रूप से यहाँ पर अपने अध्यक्ष और नगरीय शासन बैठाएंगे। इसके लिए सब कांग्रेस कार्यकर्ता वचनबद्ध है। इसी संबंध में आज बैठक हुआ। भूपेश बघेल कब तक का टिकट फाइनल हो जाएगा पार्षद लोगों के? यहाँ जहाँ तक प्रपत्र तो पूरे पहुँच चुके हैं, 3 या 4 तक सभी के नाम घोषित हो जाएंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? विपक्षी को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप सब जान रहे हैं विगत जो पुराने सरकार थी 15 साल थी वो पूरे भ्रष्टाचार से डूबे हुए थे और हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के प्रतिनिधित्व में आज छत्तीसगढ़ में चाहे वह मजदूर किसान की हो चाहे कर्मचारी की हो सभी के हित में अच्छे से काम कर रहे हैं। इसलिए हमको पूरा विश्वास है यहाँ जो नगरीय निकाय चुनाव है उन लोग उसमें हम लोग 100%। मैं यहाँ श्रीनारायण की बात कर रहा हूँ जहाँ की मैं प्रभारी हूँ, यहाँ मेरे को पूरा 101% उम्मीद है कि यहाँ हमारी सरकार बैठेंगे। जीत तो हमारी ऐसे पूरी तरह निश्चित है। बावजूद इसके मैं चाहूँगा सभी कांग्रेसजनों से कि जितने कांग्रेसी यहाँ पर हैं वो अधिक से अधिक संख्या में और अपने साथ एक कांग्रेसी कम से कम 10 या 20-50 सामान्य लोगों को जोड़ सकें तो और जिस हौसला के साथ हम इस चुनाव को लड़ने वाले हैं जीतने वाले हैं उसमें चौगुना ही इजाफा होगा। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय राजेंद्र कंवर जी को और हमारे आदरणीय श्री निरंजन अग्रवाल जी को, भाई राजेंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कड़ी मेहनत से लगन से ये आज हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारी हमारे जीत 100% 100% निश्चित है।